शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा के शिक्षक नियुक्ति के बयान पर किया पलटवार। शिक्षक नियुक्ति मामले पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा उपेंद्र कुशवाहा सब जानते हुए भी बना रहे हैं राजनीतिक मुद्दा। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह जन आकांक्षा रथ लेकर पहुंचे जहानाबाद। अनंत सिंह के करीबी के घर छापेमारी पर जताई नाराजगी। पटना के गांधी मैदान में 3 फरवरी को आयोजित है आकांक्षा रैली। मखदुमपुर थाने की पुलिस ने लूट की मोटरसाइकिल के साथ 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लुटेरों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 गोली और 1 मोबाइल हुआ बरामद। एसपी मनीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सारी बातों की जानकारी। दर्दा नदी के फुट ब्रिज पर बाइक सवार ने एक छात्रा को मारी ठोकर। पुल से गिरकर छात्रा हुई घायल। लोगों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर के समीप की है घटना। भूसा उठाने घर में आई महिला से मारपीट कर बेटी को उठा ले जाने का मामला आया सामने। महिला थाने में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा पीड़ित परिवार। कहा शिकायत करने पर दी जा रही है धमकी। काको प्रखंड के सुलेमानपुर का है मामला। जहानाबाद के ईदगाह के समीप कार्यालय में रालोसपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद औरंगजेब अरमान, महासचिव जहांगीर खान ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। 19 जनवरी को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का दिया निमंत्रण। कहा अल्पसंख्यकों के प्रति साफ है रालोसपा का नजरिया। जहानाबाद करवल मोड़ पर बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। 14 सूत्री मांगों को लेकर लगातार हड़ताल है जारी। कहा 34 रुपए में नहीं होगा काम, सरकारी कर्मी का दर्जा दे सरकार। मांगे पूरी होने तक आंदोलन अनवरत रहेगा जारी। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बालेश्वर सिंह के 13वीं पुण्यतिथि पर कोऑपरेटिव बैंक परिसर में आदमकद मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण। शिक्षा विधि समाज व कल्याण मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा सहित सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों के अलावे राजनीतिक दल के लोगों ने किया माल्यार्पण। कहा महान विभूति थे स्वर्गीय बालेश्वर सिंह। आत्मा किसान भवन में नेहरू युवा केंद्र जहानाबाद के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। एसडीओ परितोष कुमार सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में युवाओं को किया गया जागरूक। स्वामी विवेकानंद की मनाई गई 156वीं जयंती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस का किया गया आयोजन। कहा स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने के बाद देश को परम वैभव तक ले जाना संभव। वहीं मसौढ़ी के जदयू कार्यालय में जदयू द्वारा मनाई गई विवेकानंद की जयंती, किया गया माल्यार्पण। जहानाबाद के उत्तरी दौलतपुर में धूमधाम से की गई डाक बाबा की पूजा। काफी संख्या में जुटे श्रद्धालु, मांगा मनोवांछित वरदान। और जिला पार्षद के बेटे द्वारा आरटीपीएस कर्मियों की पिटाई के विरोध में घोसी प्रखंड मुख्यालय पर दिया गया धरना। घोसी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने का कर रहे थे विरोध। कहा कार्रवाई करे प्रशासन, नहीं तो और तेज होगा आंदोलन। बिहार में सवर्णों के 10% आरक्षण पर राज्य सरकार करेगी उचित फैसला। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा पूरा प्रस्ताव आने पर आरक्षण लागू करने को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा। राबड़ी देवी का केंद्र और राज्य सरकार पर हमला। अपराध रोकने में नीतीश सरकार को बताया फेल, तो सीबीआई मसले पर केंद्र पर लगाया तानाशाही करने का आरोप। लखीसराय के सूर्यगढ़ जिले के आरजेडी विधायक पर सरेआम गुंडागर्दी का आरोप। प्रहलाद यादव का शख्स को धमकाने और पीटने का वीडियो आया सामने। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार बोर्ड परीक्षा का आंसर शीट जांचेंगे अनुभवी शिक्षक। कम से कम 1.5 साल के शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक ही लगाए जाएंगे कॉपियों की जाँच में। बिहार में कोहरे का कहर। नरपतगंज दरभंगा NH 57 पर सुबह 7 गाड़ियां हुई दुर्घटनाग्रस्त।
एक की मौत, करीब आधा दर्जन लोग घायल, कई की हालत गंभीर।